हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, या आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट ऐप जिसको आपको खुद जाके अपडेट करना पड़ेगा, अंदर जाके उसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में या फिर कोई सा भी अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन चलाएंगे तो सब में आपको गूगल सिस्टम की या बोल सकते हैं गूगल एंड्रॉइड मिलता है। तो आपको उसके अंदर उसकी जो सिक्योरिटी वाली फाइल होती है, सिक्योरिटी वाली ऐप होती है, उसको खुद इंटरनली जाके उसको आपको अपडेट करना पड़ता है। पर मंथ या पर टू मंथ या पर क्वार्टरली आपको उसको अपडेट करना पड़ता है मैनुअली जाके, जिससे क्या होता है उसकी सिक्योरिटी इंप्रूव्ड होती है और कुछ इनहांस फीचर एड ऑन किए जाते हैं जिससे आपके मोबाइल में कोई भी वायरस डायरेक्टली अटैक कर ना सके। तो उसको कहाँ मिलेगी, कैसे उसको अपडेट करना है, सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एज ए टेक में। तो दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताना हूँ गूगल की ऐसी ऐप के बारे में जिसको आपको अपने मैनुअली जाके खुद ही बार बार चेक करना पड़ेगा अपडेट के लिए। अगर आप उसको अपडेट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। मोबाइल की सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर मिलता है आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन। देन उस पर जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे अपडेट्स वाले सेक्शन पे, आपको यहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दो ऑप्शन मिलते हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स एंड गूगल प्ले सिस्टम अपडेट्स। सिक्योरिटी अपडेट जो कि आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर के साथ चलती है, अगर वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर अपडेट में ले जाएगा और आपको उसके थ्रू काम करेगा, ठीक है। ये वाला हमें अपडेट्स नहीं देखना क्योंकि ये वाला भी करते रहना है, दोनों अपडेट हमें टाइमली करना है, इसमें अपडेट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे गूगल प्ले सिस्टम, जो कि मेरा मार्च की सिक्योरिटी अपडेट है, 1 मार्च 2024 की आपको दिख रही होगी, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो बता देगा एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख रहे होंगे ये नया अपडेट आपको अवेलेबल बता रहा है, ये आपको अवेलेबल बता रहा है लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट फ्रॉम गूगल अपडेट नाउ टू कीप सेव एंड इंप्रूव डिवाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे आपकी सिक्योरिटी और डिवाइस की इंप्रूवमेंट होती है, तो आपको उसको अपडेट करना चाहिए। और आपको सिर्फ 86 MB का अपडेट है, आपको इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, आपके नेट के हिसाब से ये डाउनलोडिंग होना चालू हो जाएगा। आप जितना भी टाइम ले, तो ये आपकी मोबाइल की स्पीड के हिसाब से जितना भी टाइम लगेगा डाउनलोडिंग हो जाएगा। डाउनलोडिंग होने के बाद आपको इंस्टॉल होने पे चालू हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना जरूर पड़ेगा। जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है, योर डिवाइस नीड टू बी रीस्टार्ट टू कंप्लीट द अपडेट। आपको अपडेट करने के बाद इसको रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, वो थोड़ा सा जो भी टाइम लेगा और उसके बाद वो आपका चालू हो जाएगा। तो अब इसको होने देते हैं रीस्टार्ट। तो दोस्तों रीस्टार्ट होने में आपको तब अपडेट करने के, जब आप उसको रीस्टार्ट करेंगे तो नॉर्मल टाइम से कुछ ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो बैकग्राउंड में पूरा इंस्टॉल होता है, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वैसे वो अपडेट होगा। उसके बाद अब जब आप इसको ऑन करके देखेंगे, मतलब उसके बाद वापस आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद वापस आपको वहीं जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे, एंड देन वहां जाना है आपको वापस। तो आप देखेंगे आपको 1 मई 2024 की यहाँ पर अपडेट आपको दिख रही होगी। आप यहाँ पर आगे आप चेक भी करेंगे तो वो अब आपको बता देगा कोई भी नहीं फाउंड है, मतलब कुछ नया डेटा आपको नहीं, मतलब कुछ भी नया अपडेट अवेलेबल नहीं है, आप फुली अपडेटेड हो चुके हैं, वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो बहुत ही कमाल की ये ऐप होती है, जो कि इंटरनली आपको सिक्योरिटी एंड बग से बचाती है। तो आपको इसको मैनुअली बार बार जाके चेक करना पड़ेगा, पर मंथ या पर टू मंथ या पर थ्री मंथ, जैसा आपको सही लगे उसके बाद आप चलाएंगे तो आपको यूज हो जाएगा। आप देख सकते हैं लास्ट अपडेटेड कब किया गया है, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, कौन सा आप सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सब आपको वो खुद ही बता रहा है, आप देख सकते हैं। तो यही अपडेट था, या बोल सकते हैं यही जो टिप थी मैंने आपको बताई, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।